मॉडल है C2। हम इसकी अनबॉक्सिंग एंड असेंबली करने जा रहे हैं। तो इसमें जैसे लिखा गया है, 4 पोल कनेक्टर है हमारे पास 28 पीस, जो कि ये पूरे हैं, और 5 पोल है हमारे पास 12 पीस, जो कि ये भी पूरे हैं। हैंगर है 2 पीस एंड पाइप है 79 पीस। तो ये रहा हमारे पास, और सेल्फ है 14 पीस, 14 बाय 17 का 10 पीस ये हमारे पास अवेलेबल है। अब हम इसकी असेंबली करने जा रहे हैं। फर्स्ट स्टेप है, जितने भी हमारी सेल्फ है इसमें हम सबसे पहले ये रॉड इंसर्ट कर देंगे इस तरीके से। आप देख सकते हो मैंने करके रखा है ऑलरेडी, ये सर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, सबसे पहले हम 4 पोल का यूज करेंगे। एक पाइप लेंगे 4 पोल, इसको इस तरीके से दोनों तरफ इंसर्ट करके एक सेल्फ लगा हुआ, फिर से हमें यूज करना है इसके बाद 5 पोल का। फिर से हमें सेल्फ लेना है, पाइप लगा हुआ, हमें इस तरीके से इसको आगे बढ़ाना है। फिर से हमें यूज करना है 5 पोल का, फिर से पाइप लेना है हमें और इस तरीके से हमें इंसर्ट करना है। फिर से हमें एक सेल्फ लेना है और सेल्फ को इस तरीके से लगाना है, और लास्ट में हमें फिर से 4 पोल का यूज करना है। और इस तरीके से लास्ट में हमें 4 पोल लगा लेना है। तो ये हमारा पहला स्टेप तैयार। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हमें पाइप ऊपर की तरफ लगाना है सारे। नेक्स्ट स्टेप है हमारा 4 पोल, 4 पोल का हमें यूज करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले 4 पोल लेंगे हम, 4 पोल को इस तरीके से साइड में इंसर्ट करके, इस तरफ भी 4 पोल, और इसको हम इस तरीके से यहाँ पे लगा देंगे। अब हमें फिर से सेल्फ की ज़रूरत है, पाइप लगा हुआ, सेल्फ को हम इस तरीके से इंसर्ट करेंगे इसमें। फिर से हमें यहाँ पे 5 पोल की ज़रूरत है, 5 पोल पाइप को हम इस तरह से लगाते हैं, 5 पोल यहाँ लगाते हैं। अब हमें फिर से पाइप लगा हुआ सेल्फ की जरूरत है। अब हमें फिर से 5 पोल की जरूरत है। पहले हम 5 पोल को इस तरीके से पाइप में अटैच करके, फिर इसको नीचे की तरफ अटैच करके, फिर इसको साइडों से इस तरीके से एडजस्ट करना है। अब हमें फिर से एक साथ चाहिए पाइप लगा हुआ, जो कि इसको आगे बढ़ाएगा। अब हमें लास्ट में चाहिए होगा 4 पोल, तो हम 4 पोल को फिर से एक पाइप में इस तरीके से अटैच करते हैं, इसको इस तरीके से लगा देते हैं। अगला स्टेप है हमें पाइप ऊपर की तरफ लगाना है सारे, तो हम इस तरीके से ऊपर की तरफ पाइप को लगा देते हैं। अगला स्टेप है हमें 4 पोल की जरूरत पड़ेगी, तो 4 पोल हमें इस तरीके से पाइप में इंसर्ट करना है,
और इसको इस तरीके से साइड में लगा देना है। इसके बाद हमें फिर से पाइप लगा हुआ सेल्फ की जरूरत है, जो कि हम इस तरीके से इसमें डाल देते हैं। अब हमें फिर से यहाँ पे फोर पोल की जरूरत है। हम इसको फिर से इसी तरीके से हमें फिर से फोर पोल के साथ एक पाइप को इस तरीके से अटैच करना है। और इसको साइड में लगा देना है इस तरीके से। फिर से हमें पाइप लगा हुआ सेल्फ चाहिए, जो कि इस तरीके से अटैच होगा। फिर से हमें फोर पोल की जरूरत पड़ेगी। फोर पोल हम इस तरीके से पाइप में लगाते हैं, साइड में इस तरीके से इंसर्ट। अगले स्टेप में हमें फिर से ये पाइप ऊपर की तरफ लगाना है। हमें फिर से फोर पोल की जरूरत पड़ रही है, तो हम पाइप में इस तरीके से इसको इंसर्ट करते हैं और साइड में इस तरीके से लगाते हैं। इसके बाद हमें फिर से सेल्फ की जरूरत पड़ रही है पाइप लगा हुआ। अब हमें फिर से फोर पोल की जरूरत है, तो फोर पोल हम इस तरीके से पाइप में अटैच करके लगाते हैं। अब आगे की बात करें तो आगे हमें फिर से दो फोर पोल की जरूरत है और एक पाइप की। तो इस तरीके से हम पाइप को लगाते हैं। अब हमें पाइप लगा हुआ एक सेल्फ चाहिए फिर से, जो कि इसमें इंसर्ट होगा। दो फोर पोल हमें फिर से चाहिए, जो कि पाइप में इस तरीके से लग के अगला स्टेप है हमारा। हम पाइप को इस तरीके से फिर से ऊपर की तरफ करते हैं। अब हमें चाहिए होंगे फिर से फोर पोल, जो कि इस तरीके से हम पाइप लगाते हैं और साइड में इस तरीके से टॉप फ्लोर पे इसको बंद कर देते हैं। फिर से हमें पाइप चाहिए होंगे, इस तरीके से हम पाइप लगाते हैं दोनों तरफ। अब हमें चाहिए होंगे दो पाइप पोल और एक पाइप। इस तरीके से हम पाइप पोल में पाइप को इंसर्ट करते हैं और ऊपर की तरफ लगाते हैं। फिर से हमें दो पाइप चाहिए होंगे आगे बढ़ाने के लिए। अब हमें फिर से दो पाइप पोल चाहिए और एक पाइप चाहिए। पहले हम पाइप पोल को पाइप में इस तरीके से इंसर्ट कर देते हैं, फिर ऊपर की तरफ। चाहिए होंगे दो फोर पोल जो कि पाइप में लग के इस तरीके से सर्ट होके पहले टॉप फ्लोर पर लगेगा, उसके बाद साइड वाला पाइप इसमें इस तरीके से लगेगा। अब हमारे पास जो बचा हुआ कनेक्टर है वो है हमारे पास अब ये बचा हुआ एक फोर पोल, एक फाइव पोल, एक पाइप एक्स्ट्रा है और ये दो हैंगर है। तो हैंगर में इस तरीके से हमें पाइप इंसर्ट करना पड़ता है और हैंगर को
बीचों बीच इस तरीके से हमें लगाना होता है। तो बेसिकली हमारा ढांचा तैयार है और जो हमारे पास बचा है एक पाइप, एक फोर पोल कनेक्टर और एक फाइव पोल कनेक्टर, ये हमें यूज आएगा आगे। जैसा कि आप कवर देख सकते हो तो कवर पे ये मॉडल लिखा होता है C2, तो मैंने पहले भी बताया था ये हमारा बेसिकली C2 मॉडल है। तो हम अब कवर डालते हैं। सबसे लास्ट वाला चेन हमें खोलना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बांधने के लिए दिया गया है, तो आप इसको बांध सकते हो दोनों कोने पे। और ये पट्टी दी गई है हमें जो कि इसको इससे अटैच करती है। यहाँ पे वेलक्रो है, ये अटैच हो गई। हमारा C2 मॉडल रेडी है, आप देख सकते हो इसमें पॉकेट दी गई है जो कि मल्टीपर्पज है। ये बैक इस तरीके से, ये फ्रंट। जैसे कि आप देख सकते हो इस तरीके से रेडी हो जाता है हमारा C2। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो इस पर नंबर दिया गया है, आप कभी भी कॉल कर सकते हो और विजिट कर सकते हो व्हाट्सएप पे। Thank you.